शरीर को उनके निवास स्थान पर रखा जाएगा जिससे लोग जो है वो अंतिम दर्शन कर सके। बिल्कुल, तकरीबन 9:30 बजे से लेकर 11 बजे का वक्त वीआईपी दर्शनों के लिए मुकर्रर किया गया है। प्रधानमंत्री खुद यहां पर पहुंचेंगे। सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, तमाम वीआईपी यहां पर पहुंचेंगे। मोहन भागवत यानी आरएसएस प्रमुख की बात करें, वो भी पहुंचने वाले हैं। यानी 11 बजे के आसपास तक वीआईपी दर्शन होंगे और 11 से 12 का वक्त मुकर्रर किया गया है जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुछ सामान्य व्यक्ति भी उनके दर्शन कर सकते हैं, जिन लोगों ने प्रणव दा के साथ कहीं काम किया हो, जो उनके यहाँ पर यानी राजा 210 राजा जी मार्ग है जहाँ उनका निवास स्थान था वहाँ पर काम करते थे, वो भी अंतिम दर्शन करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि 12:30 और 1 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को मिलिट्री के ट्रक में रवाना किया जाएगा लोधी स्टेट में, जहाँ पर उनका क्रीमेशन किया जाएगा 2:30 बजे के आसपास। तो फिलहाल ये है कि प्रधानमंत्री की बात हो, राष्ट्रपति की बात हो, मोहन भागवत संघ प्रमुख की बात हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम कैबिनेट मंत्री जो जो इस वक्त दिल्ली में उपलब्ध हैं, वो सभी प्रणव दा के अंतिम दर्शनों के लिए आएंगे। क्योंकि प्रणव दा की बात करें, प्रणब मुखर्जी की बात करें, अक्रॉस द पार्टी लाइन उनकी जो इमेज थी, यही वजह है कि उनकी मुखालफत कोई नहीं करता था, उनके खिलाफ कोई नहीं जाता था, क्योंकि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के बिल्कुल खाटी कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में रहे। एक बंगाल के छोटे से गांव से आके राष्ट्रपति भवन तक का एक लंबा सफर रहा, जिन्हें 5G कहा जाता है, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इनके साथ उन्होंने काम किया। और जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 1984 में, तब सबसे ज्यादा वरिष्ठ मंत्री के तौर पर उनका नाम आता था और 2 बार ऐसा कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, राजीव गांधी से पहले और मनमोहन सिंह से पहले। तो एक तरफ कांग्रेस की इमेज है, दूसरी तरफ जब आरएसएस का दीक्षांत समारोह होता है नागपुर में, तब भी प्रणब मुखर्जी वहां पर पहुंचते हैं, नरेंद्र मोदी उनके पैर छूते जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो निश्चित तौर से जो उनकी इमेज है वो क्रॉस द पार्टी लाइन है। और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों के, तमाम विरोधी विचारधाराओं के बड़े लोग प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक आज अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं। हालांकि इसके लिए जो पूरा प्रक्रिया है, जो प्रोटोकॉल आमतौर पर माने जाते हैं COVID-19 के, उसमें भी कुछ रियायतें बढ़ती गई है। पहली बार ऐसा हिंदुस्तान में हुआ है जब कुछ एक्सेप्शन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले इस तरह का क्रीमेशन नहीं होता था राज के सलामी वगैरह के साथ, और इस तरीके से वीआईपी दर्शन नहीं होते थे, क्योंकि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्रियों की मौत कोविड की वजह से हो चुकी है, तब भी प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा गया था। लेकिन प्रणब मुखर्जी का स्टेटस इतना ऊंचा था कि उनके लिए प्रोटोकॉल को भी कुछ हद तक दरकिनार करना पड़ा है। जी बिल्कुल राहुल, क्योंकि कोरोना को देखते हुए प्रोटोकॉल तो देखा ही जा रहा है, लेकिन अगर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अगर बात करें तो उनके राजनीतिक सफर, उनके राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो उनके सफर को लोग आज याद कर रहे हैं, और जो युवा पीढ़ी है उससे भी सीखने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि वो एक लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जाते थे। बिल्कुल, जब भी क्राइसिस मैनेजमेंट की बात आती थी कांग्रेस के अंदर, सरकार के अंदर, तो एक ही नाम आता था, प्रणब मुखर्जी। जो हमारी जनरेशन ने देखा, जिस तरीके से अन्ना आंदोलन हुआ, जिस तरीके से बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ, और जब चीजें कंट्रोल में नहीं हो पा रही थी, तब अन्ना हजारे से संपर्क के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, जिसमें राज आज्ञा पत्र भी आया था, उसमें प्रणब मुखर्जी शामिल थे। यानी बातचीत के टेबल पे अन्ना हजारे और उस टाइम अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, तमाम एक टीम हुआ करती थी, उन्हें वो लेकर आए। और उससे पहले भी जितनी भी क्राइसिस की बात करें, जब 96-97 में बात हुई कि सोनिया कांग्रेस के अंदर आएंगी, तब एक बड़ा खेमा था। एनडी तिवारी और बहुत से ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के विरोध में थे, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उसमें अगर और लोगों को जोड़ लिया जाए, शरद पवार को भी जोड़ लिया जाए, तो वो भी विरोध कर रहे थे सोनिया गांधी के आने का। लेकिन सोनिया गांधी को मान्यता कैसे दिलानी है और कैसे उन्हें मेन स्ट्रीम राजनीति में लेकर आना है, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद एक लगभग दशक बीत गया था जब सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति से दूर रही थी, 10 जनपद के अंदर ही राहुल प्रियंका के साथ रहती थी। तो सोनिया गांधी को मान्यता दिलानी हो, कैसे उस वक्त पार्टी अंदर क्राइसिस थे, उस क्राइसिस को दूर करना हो, तो प्रणब मुखर्जी को इस बात का धनी माना जाता था। जब वो राष्ट्रपति बने थे तो कई फांसी के फैसलों पर उन्होंने हस्ताक्षर किए, जो लंबे समय तक, अफजल गुरु की बात करें, जो लटके हुए थे, कसाब की बात करें, वो उन्होंने जल्दी से हस्ताक्षर किए ताकि चीजें बेहतर वे में हो सके। यानी राष्ट्र निर्माता के तौर पर, स्टेट्समैन के तौर पर उन्हें जाना जाता है, चाहे वो गृह मंत्री रहे हो, चाहे वित्त मंत्री रहे हो, किस तरीके से क्राइसिस को मैनेज करना है। क्योंकि जब वो केंद्र सरकार में थे, महत्वपूर्ण मंत्री थे, तब बहुत सारे घोटालों की आती थी, CWG की, 2G की घोटालों की बात आती थी, तब कांग्रेस को कैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर भी वो रह चुके हैं और अपनी भूमिका उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई है। राहुल, आप नजर बनाए रखिएगा, और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर।